Good morning, today is 20th of April 2018 and we are going to discuss the articles of The Hindu. सबसे पहले नजर डाल लेते हैं कौन कौन से आर्टिकल्स आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं. पहला आर्टिकल यहाँ पे लॉ कमीशन ने रेकमेंड किया है कि बीसीसीआई को आरटीआई के अंदर आना चाहिए. डिस्कस करेंगे इस आर्टिकल को. नीचे ये आर्टिकल राजनीति से संबंधित है. बीजेपी की क्या भूमिका रही कथुआ रेप के मामले में, नहीं डिस्कस करेंगे, हमारे एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण नहीं है. बीच में ये बड़ा आर्टिकल भी इंपॉर्टेंट नहीं है, हाडिया केस से संबंधित है. केरला में जो हाडिया केस हुआ था, एग्जाम के लिए हाडिया केस इंपॉर्टेंट नहीं है. उसके बाद नीचे ये आर्टिकल काफी इंपॉर्टेंट है, राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009 की इंप्लीमेंटेशन के बारे में इस आर्टिकल को हम डिस्कस करेंगे. दूसरे पेज पे ये बड़ा आर्टिकल यहां पे, क्या मिलिट्री पर एक्सपेंडिचर को इंक्रीज किए जाने की आवश्यकता है या नहीं. तीनों व्यू पॉइंट्स हम डिस्कस करेंगे. यस नो इट्स कॉम्प्लिकेटेड. और नीचे ये आर्टिकल कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट से संबंधित है, इस आर्टिकल को भी हम डिस्कस करेंगे. चलिए डिस्कशन स्टार्ट करते हैं. सबसे पहले हम बीसीसीआई से संबंधित आर्टिकल को डिस्कस करेंगे. जीएस पेपर 2 और जीएस पेपर 4 के इन टॉपिक्स में ये आर्टिकल कवर होगा. पहले हम कुछ बैकग्राउंड जानते हैं. 2013 में आईपीएल स्कैंडल सामने आया, यानी आईपीएल में बैटिंग और सट्टेबाजी जैसी न्यूज उजागर हुई. उस समय बीसीसीआई के वर्किंग पर बहुत सारे सवाल उठे. बीसीसीआई की वर्किंग बहुत ज़्यादा ओपेक है, घपलेबाजी होती है बीसीसीआई में, तो इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने उस समय लोधा कमेटी का गठन किया. कैसे बीसीसीआई की वर्किंग को इम्प्रूव किया जा सकता है, तो लोधा कमेटी ने अपनी रिकमेंडेशंस में एक रिकमेंडेशन यह दी कि बीसीसीआई को आरटीआई के अंदर आना चाहिए. अभी यही आर्टिकल है, क्या बीसीसीआई को आरटीआई के अंदर आना चाहिए या नहीं आना चाहिए. तो उसके बाद देखो, लोधा कमेटी की इस रिकमेंडेशन को सौंपा सुप्रीम कोर्ट ने लॉ कमीशन के पास. लॉ कमीशन ने भी अब हां भर दी है कि बीसीसीआई को आरटीआई के अंदर आना चाहिए. इसके अलावा सरकार भी यही कहती है कि बीसीसीआई को आरटीआई के अंदर आना चाहिए, और सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन का भी यही मानना है. देखो, कुछ लोग तो ये आर्गुमेंट्स दे सकते हैं कि बीसीसीआई को आरटीआई के अंदर नहीं आना चाहिए क्योंकि बीसीसीआई सरकार से पैसा नहीं लेती, किसी प्रकार का फाइनेंस बीसीसीआई सरकार से नहीं लेती. और 2005 में सुप्रीम कोर्ट की जो जजमेंट आई थी, उस जजमेंट में सुप्रीम कोर्ट ने यह माना था कि बीसीसीआई आर्टिकल 12 के अंदर नहीं आती. आर्टिकल 12 हमारे संविधान का डिफाइन करता है स्टेट की डेफिनेशन क्या है, तो स्टेट की डेफिनेशन के अंदर नहीं आती बीसीसीआई, तो इसलिए कोई औचित्य बनता नहीं है कि बीसीसीआई को आरटीआई के अंदर लाया जाए. लेकिन दूसरी तरफ बहुत सारे ऐसे आर्ग्यूमेंट्स हैं जो ये बताते हैं और ये दावा मजबूत करते हैं कि बीसीसीआई को आरटीआई के अंदर आना चाहिए. जैसे कि देखो, भले ही बीसीसीआई सरकार से पैसा नहीं लेती हो, लेकिन बहुत सारी छूट बीसीसीआई को मिलती है. इनकम टैक्स में छूट हो, ड्यूटीज में छूट हो, इवन लैंड को भी काफी सस्ते दामों में दिया जाता है सरकार के द्वारा बीसीसीआई को. इसके अलावा बहुत सारे ऐसे फंक्शंस हैं जो बीसीसीआई के द्वारा परफॉर्म किए जाते हैं, जिससे बहुत सारे स्टेक होल्डर्स के फंडामेंटल राइट्स प्रभावित होते हैं. चाहे वो लोग हों जो क्रिकेट को देखते हों, क्रिकेट के प्लेयर्स हों, अंपायर्स हों, इन सब के फंडामेंटल राइट्स, मौलिक अधिकार प्रभावित होते हैं बीसीसीआई के पब्लिक फंक्शन से. इवन सरकार ये भी मानती है कि जैसे देखो, दूसरे स्पोर्ट्स के लिए अलग से फेडरेशन है, फॉर एग्जांपल हॉकी के लिए अलग से फेडरेशन है, उसी प्रकार से बीसीसीआई भी क्रिकेट के लिए एक फेडरेशन है, इसीलिए बीसीसीआई को आरटीआई के अंदर आना चाहिए. लास्ट में कंक्लूजन में एक पॉइंट ये उठता है, क्या बीसीसीआई के आरटीआई के अंदर आने से बीसीसीआई की ऑटोनॉमी प्रभावित होती है. इसका आंसर साफ तौर पर नहीं है. अगर देखो, बीसीसीआई आरटीआई के अंदर आती है, ऑटोनॉमी तो प्रभावित नहीं होगी, लेकिन अकाउंटेबिलिटी और ट्रांसपेरेंसी जरूर आएगी बीसीसीआई में. ये पूरा आर्टिकल था, क्या बीसीसीआई को आरटीआई के अंदर आना चाहिए या नहीं. चलते हैं आगे. अगला आर्टिकल राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009 के बारे में है. जीएस पेपर 2 के इस टॉपिक में ये आर्टिकल कवर होगा. राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009 6 से 14 साल की उम्र के बच्चों के लिए फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन इंश्योर करने के लिए था. इस एक्ट का सेक्शन 12(1)(c) क्या कहता है. सेक्शन 12(1)(c) में लिखा गया है कि प्राइवेट अनएडेड स्कूल्स, यानी वो स्कूल्स जिनको सरकार की तरफ से कोई मदद नहीं मिलती, ये स्कूल्स अपनी 25% जो सीट्स हैं वो गरीब बच्चों को देंगे, यानी उन बच्चों को देंगे जो इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन से आते हैं. अब देखो, प्राइवेट स्कूल्स ऐसा फ्री में तो करेंगे नहीं, स्टेट गवर्नमेंट्स पैसा देंगे इस चीज़ के लिए प्राइवेट स्कूल्स को, और सेंट्रल गवर्नमेंट पैसा देगा स्टेट गवर्नमेंट्स को. आर्टिकल में यह कहा जाता है, इस एक्ट की इंप्लीमेंटेशन बहुत ज़्यादा वीक है. ऑलमोस्ट 10 साल हो गए इस एक्ट को आए, लेकिन अभी तक 5 स्टेट्स ऐसे हैं, गोवा, मणिपुर, मिजोरम, सिक्किम, तेलंगाना, इन 5 राज्यों ने सेक्शन 12(1)(c) को इंप्लीमेंट करने के लिए अभी तक नोटिफिकेशन भी नहीं रिलीज किया गया है.
तेलंगाना तो चलो मान लिया नया स्टेट बना है 2014 में, लेकिन बाकी स्टेट्स का क्या? गोवा, मणिपुर, मिजोरम, सिक्किम, तो ये पहला पॉइंट था। अब दूसरे पॉइंट की बात करते हैं। राइट टू एजुकेशन एक्ट आया था 2009 में, उसके बाद देखो सभी राज्यों को और सभी यूटीज को पर चाइल्ड कॉस्ट डिक्लेयर करनी थी, यानी अगर स्कूल्स अपनी सीट्स देते हैं गरीब बच्चों को तो एक बच्चे के हिसाब से कितना पैसा देगी राज्य सरकार उस स्कूल को जो गरीब बच्चों को एडमिशन दे रहा है। लेकिन अभी तक सिर्फ 14 यानी 14 स्टेट्स और यूटीज ने इस प्रकार की कॉस्ट डिक्लेयर की है, इस प्रकार की कॉस्ट पब्लिक डोमेन में रखी है। 20 यूटीज और स्टेट्स ने तो अभी तक कॉस्ट भी नहीं रखी है पब्लिक में। मतलब साफ है स्टेट गवर्नमेंट्स की कोई इंटेंशन नहीं लगती स्कूल्स को पैसा देने की। अगर देखो स्कूल्स को पैसा नहीं दिया जाएगा तो स्कूल्स गरीब बच्चों को सीट्स नहीं देंगे, और स्टेट गवर्नमेंट्स का ये तर्क है कि सेंट्रल गवर्नमेंट हमें पैसा नहीं दे रही है राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009 को इंप्लीमेंट करने के लिए। हमें सेंट्रल गवर्नमेंट पैसा नहीं देगी तो हम आगे स्कूल्स को कैसे देंगे। तो इन सब पॉइंट से एक बात तो साफ है कि राइट टू एजुकेशन एक्ट को अच्छे से इंप्लीमेंट नहीं किया जा रहा है। जिस मंशा के साथ, जिस ऑब्जेक्टिव के साथ ये एक्ट लाया गया था, वो ऑब्जेक्टिव, वो मंशा पूरा करने में सफल नहीं हो पाया है राइट टू एजुकेशन एक्ट, क्योंकि इंप्लीमेंटेशन बहुत ही ज्यादा वीक है। आगे कुछ और भी एग्जाम्पल्स दिए जाते हैं आर्टिकल में ये साबित करने के लिए कि इंप्लीमेंटेशन किस प्रकार से वीक है आरटीई एक्ट 2009 का। जैसे देखो 2017-18 में 15 स्टेट्स ने अपने रीइंबर्समेंट क्लेम्स सौंपे थे आरटीई एक्ट 2009 के अंदर सेंट्रल गवर्नमेंट को, तो 15 स्टेट्स के रीइंबर्समेंट क्लेम्स में से सिर्फ 6 राज्यों के जो रीइंबर्समेंट क्लेम्स हैं वो पास हो पाए। तो आप देख लीजिए जो आर्गुमेंट दिया जाता है स्टेट्स के द्वारा कि सेंट्रल गवर्नमेंट हमें पैसा नहीं देती इस एक्ट को इंप्लीमेंट करने के लिए, वो जो तर्क है, वो जो आर्गुमेंट है बिल्कुल सही है। और इवन वो राज्य जो स्कूल्स को पैसा दे रहे हैं इस एक्ट को इंप्लीमेंट करने के लिए, यानी गरीब बच्चों को सीट्स देने के लिए, बहुत कम पैसा दे रहे हैं स्कूल्स को। एंसिलरी कॉस्ट को कंसिडर नहीं किया जा रहा है। देखो जो बड़े स्कूल्स होते हैं वो ट्यूशन फीस के अलावा ड्रेस देते हैं, जो बुक्स हैं वो देते हैं, या फिर और भी काफ़ी सारे खर्चे आते हैं ट्यूशन फीस के अलावा, लेकिन स्टेट गवर्नमेंट्स उन खर्चों को कंसिडर नहीं करती और स्कूल्स को बहुत कम पैसे दिए जाते हैं गरीब बच्चों के एडमिशन के लिए। इसीलिए जो स्कूल्स हैं वो रिलक्टेंट रहते हैं, वो कहते हैं कि देखो पैसा तो पूरा दिया नहीं जाता स्टेट गवर्नमेंट्स के द्वारा, तो इसलिए हमें फ़ायदा नहीं होता गरीब बच्चों को सीट्स देने में। अब आती है कंक्लूजन की बारी। कंक्लूजन में बोला जाता है अगर इस एक्ट को अच्छे से इंप्लीमेंट किया जाता तो हमारे देश में अनएडेड प्राइवेट स्कूल्स में 20 लाख जो सीट्स हैं वो इकोनॉमिक वीकर सेक्शंस के बच्चों को मिलती, लेकिन अच्छे से इंप्लीमेंट नहीं किया जा रहा है। इसीलिए अभी तक सिर्फ 5-6 लाख जो सीट्स हैं वो अनएडेड प्राइवेट स्कूल्स में गरीब बच्चों को मिल सकी हैं। देखो हमारे संविधान के प्रीएम्बल में साफ तौर पर बोला गया है कि हमारा देश यानी डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ इंडिया सोशल, इकोनॉमिक और पॉलिटिकल जस्टिस इंश्योर करेगा सबके लिए, और एजुकेशन एक इंपॉर्टेंट मीडियम है इस प्रकार का जस्टिस इंश्योर करने का। इवन डीपीएसपी यानी डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स में भी ये बोला गया है कि स्टेट चिल्ड्रंस के लिए राइट टू एक्सेस एजुकेशन इंश्योर करेगा, और डीपीएसपी के इसी प्रोविजन को इंप्लीमेंट करने के लिए हमारे संविधान में 86वीं कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट की गई थी, यानी राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009 आया था, आर्टिकल 21A आया था। लेकिन फायदा ही क्या इन सब चीजों का जब इस एक्ट को धरातल पे अच्छे से इंप्लीमेंट नहीं किया जा रहा है। इसके लिए दोषी ना सिर्फ एग्जीक्यूटिव्स हैं बल्कि लेजिस्लेचर्स भी हैं। देखो काम वैसे एग्जीक्यूटिव्स का है इस एक्ट को इंप्लीमेंट करना, लेकिन लेजिस्लेचर्स का भी तो काम है ना। अगर एग्जीक्यूटिव्स अच्छे से काम नहीं कर रहे हैं तो उनकी जवाबदेही तय करना पार्लियामेंट में, लेकिन पार्लियामेंट आपको पता है अच्छे से काम नहीं करती। इस बार आपने देखा होगा पूरा जो बजट सेशन था वो वॉश आउट हो गया। तो एक पॉइंट लास्ट में ये बोला जाता है सेंट्रल गवर्नमेंट को चाहिए कि सभी स्टेट्स के एजुकेशन मिनिस्टर्स की मीटिंग बुलाई जाए और देखा जाए क्या क्या गैप्स हैं इस एक्ट के इंप्लीमेंटेशन में और उन गैप्स को दूर किया जाए। तो ये पूरा आर्टिकल था राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009 के बारे में। अगला आर्टिकल मिलिट्री स्पेंडिंग के बारे में है। जीएस पेपर 3 के इस टॉपिक में ये आर्टिकल कवर होगा। टॉपिक का नाम है क्या मिलिट्री स्पेंडिंग को इंक्रीज किए जाने की आवश्यकता है। मतलब सरकार जितना मिलिट्री पर अभी खर्च करती है उस खर्च को बढ़ाना चाहिए या नहीं। सबसे पहला व्यू है सैयद अता हसनैन का, ये कहते हैं हाँ। इनका कहना है वैसे तो देखो संविधान में जो डीपीएसपी हैं उसके अनुसार सरकार की ड्यूटी है कि हमारे देश के जो सिटीजन्स हैं उनकी क्वालिटी ऑफ लाइफ को इम्प्रूव करना। तो एक आर्ग्यूमेंट ये आ सकता है कि डिफेंस पर जब खर्चा किया जाता है तो सरकार कि जो गति है हमारे देश में गरीबी मिटाने की वो गति धीमी पड़ जाती है। लेकिन इनका ये कहना है
कि देखो जब हमारे देश की सिक्योरिटी इंश्योर होगी तो सिक्योरिटी में ही हमारा देश हमारी एस्पिरेशंस को पूरा कर सकेगा। हमारे जो लक्ष्य हैं, गरीबी मिटाना, देश को डेवलप करना, क्वालिटी ऑफ लाइफ को इम्प्रूव करना, वो लक्ष्य तभी पूरे हो पाएंगे। लेकिन आज हमारा देश दोनों तरह के थ्रेट से जूझ रहा है। एक फ्रंट पे एक्सटर्नल थ्रेट है, दूसरे फ्रंट पे इंटरनल थ्रेट है। एक्सटर्नल थ्रेट्स की बात करें तो पाकिस्तान, चाइना जैसे पड़ोसी देश हमारे लिए नई चुनौतियां पैदा करते जा रहे हैं। और इंटरनल थ्रेट्स की हम बात करें तो कश्मीर की समस्या, नक्सलिज्म, अगर इन सभी समस्याओं से निपटना है, दोनों तरह की थ्रेट से निपटना है, तो डिफेंस स्पेंडिंग को इंक्रीज करना होगा। इस साल 2018-19 के बजट में डिफेंस बजट रहा 1.4% ऑफ GDP। मिलिट्री ने सरकार से डिमांड की थी कि उनके लिए 445.75 यानी 445.75 रुपीज एलोकेट किए जाएं, लेकिन सरकार ने एलोकेट किए 268.2 बिलियन रुपीज। तो यहां पे देखो आपको डेटा याद रखने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन यहां पे आप एक चीज समझने की कोशिश कीजिए। अब जो मिलिट्री के रूटीन के खर्चे हैं वो तो होंगे ही, चाहे वो मिलिट्री पर्सनल की सैलरी हो, राशन हो, ये तो खर्चे होंगे ही। लेकिन जब कम डिफेंस बजट एलोकेट होता है मिलिट्री के लिए, तो एक चीज सबसे ज्यादा प्रभावित होती है, वो है मॉडर्नाइजेशन ऑफ वेपन्स। कम पैसे मिलेंगे तो नए हथियार नहीं खरीदे जा सकते, या फिर पुराने हथियारों को मॉडर्नाइज करना मुश्किल हो जाता है। अभी आर्मी ने डिपोज किया था, जो पार्लियामेंट की स्टैंडिंग कमेटी है उनके सामने आर्मी के एक सीनियर ऑफिसर ने बताया कि 68% जो अभी फिलहाल वेपन्स हैं आर्मी के पास, जो इक्विपमेंट्स हैं, वो बहुत पुराने हैं, वो विंटेज स्टेट के हैं, यानी जमाने के हिसाब से नहीं है वो वेपन्स। अभी आज के समय युद्ध होता है तो वो वेपन्स उतने ज्यादा एफिशिएंट नहीं होंगे। लेकिन अगर मॉडर्नाइजेशन चाहिए तो सरकार को अच्छा खासा बजट एलोकेट करना होगा मिलिट्री के लिए। आगे सैयद अता हसनैन ये कहते हैं कि मिलिट्री को इफेक्टिव और कैपेबल बनाने के लिए मिलिट्री एक्सपेंडिचर को इंक्रीज करने के अलावा और भी बहुत कुछ करना होगा। जैसे फिलहाल हमारे देश में नेशनल सिक्योरिटी स्ट्रेटजी नहीं है, तो एक प्रकार का नेशनल स्ट्रेटजिक कल्चर हमारे देश में डेवलप करने की आवश्यकता है। उसके बाद प्रायोरिटीज को अच्छे से मैनेज नहीं किया जाता। जैसे देखो अभी डिफेंस मिनिस्ट्री में मिलिट्री के पर्सनल नहीं होते, तो डिफेंस मिनिस्ट्री प्रायोरिटीज को अच्छे से मैनेज नहीं कर पाती। तो डिफेंस मिनिस्ट्री और मिलिट्री के बीच कोऑर्डिनेशन एस्टैब्लिश करने की आवश्यकता है, ताकि मिलिट्री की प्रायोरिटीज को अच्छे से मैनेज किया जा सके। डिफेंस मिनिस्ट्री में भी कुछ ना कुछ मिलिट्री पर्सनल पोस्टेड होने चाहिए। और सबसे लास्ट में पॉइंट आता है एक्सपेंडिचर मैनेजमेंट। देखो जो बजट एलोकेट हो जाता है मिलिट्री के लिए, उसे भी अच्छे से यूज नहीं किया जाता। लीकेजेस यानी करप्शन, भ्रष्टाचार बहुत ज्यादा है। इस वजह से अगर कोई वेपन्स प्रोक्योर करने हो तो उनमें बहुत ज्यादा डिले होता है। तो इस पूरी प्रोसेस को, कि एक्सपेंडिचर को कैसे मैनेज किया जाए, इस तरफ भी ध्यान देने की आवश्यकता है, ताकि कोई भी डिले ना हो वेपन्स को प्रोक्योर करने में। तो ये पूरे पॉइंट्स थे सैयद अता हसनैन के द्वारा। इनका मेन एसेंस यही है, मिलिट्री एक्सपेंडिचर को इंक्रीज किए जाने की आवश्यकता है, लेकिन इसके अलावा मिलिट्री को इफेक्टिव बनाने के लिए और भी काफी सारी चीजें करनी होंगी। अगला व्यू पॉइंट अभिजीत अय्यर मित्रा का है। ये मना करते हैं मिलिट्री एक्सपेंडिचर को इंक्रीज नहीं किया जाना चाहिए। ये कहते हैं कि अगर मिलिट्री एक्सपेंडिचर को इंक्रीज किया जाता है तो प्लानिंग और डिसिप्लिन नहीं आता मिलिट्री में। इनके द्वारा एग्जाम्पल दिया जाता है स्वीडन का। स्वीडन एक साल में एवरेज के तौर पे सिर्फ $6 बिलियन खर्चा करता है डिफेंस बजट पर, लेकिन फिर भी स्वीडन इतने कम डिफेंस खर्चे के साथ भी रशिया की थ्रेट से निपटने के लिए तैयार है। रशिया को आंख दिखाता है स्वीडन, जबकि रशिया एक साल में $70 बिलियन इन्वेस्ट करता है डिफेंस पे। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि स्वीडन इस खर्चे को बहुत ज्यादा एफिशिएंटली, बहुत ज्यादा प्लानिंग के साथ, बहुत ज्यादा डिसिप्लिन के साथ यूज करता है। तो इसलिए ये कोई जरूरी नहीं कि आप अगर डिफेंस एक्सपेंडिचर को इंक्रीज करोगे तभी आप अपनी आर्मी को इफेक्टिव और कैपेबल बना सकते हो। कम खर्चे के साथ अगर प्लानिंग हो, अगर डिसिप्लिन हो, तो आर्मी को कैपेबल और इफेक्टिव बनाया जा सकता है। हमें आवश्यकता है कि हम कुछ ही सोल्जर्स पे ज्यादा इन्वेस्ट करें। एक्चुअली आजकल क्या है, इंफॉर्मेशन एज है, अलग तरह के वेपन्स की आवश्यकता है आज के समय में। हम क्या है, हम मैन्युफैक्चरिंग एज के वेपन्स के पीछे भाग रहे हैं। पहले हमें ये वेपन्स आसानी से नहीं मिलते थे, लेकिन आजकल हमारे यूएसए से रिलेशंस अच्छे हैं और दूसरे वेस्टर्न कंट्रीज के साथ रिलेशंस अच्छे हैं, तो हमें ये वेपन्स आसानी से मिल रहे हैं।
लेकिन ये वेपन्स आज के समय में ऑब्सोलीट हो चुके हैं, पुराने हो चुके हैं। हमें चाहिए इंफॉर्मेशन एज के वेपन्स, और इंफॉर्मेशन एज के वेपन्स को चलाने के लिए हमें स्मार्ट सोल्जर्स भी चाहिए। यहाँ पे एक बात ध्यान दीजिएगा, हमें स्मार्ट सोल्जर्स चाहिए, क्वालिटी चाहिए, क्वांटिटी नहीं चाहिए, ऐसा कहना है अभिजीत अय्यर मित्रा का। फिलहाल हमारा फोकस है कि ज्यादा से ज्यादा हमारी मिलिट्री स्ट्रेंथ को इंक्रीज किया जाए सोल्जर्स के मामले में, लेकिन हमें स्मार्ट सोल्जर्स चाहिए। कुछ ही सोल्जर्स पर सरकार ज्यादा इन्वेस्ट करे ताकि वो इंफॉर्मेशन वेपन से डील कर सकें। लास्ट में एक पॉइंट ये बोला जाता है, मिलिट्री में रिसोर्सेज को स्ट्रीमलाइन किए जाने की आवश्यकता है, रिसोर्सेज का रैशनल यूज होना चाहिए, चाहे वो सप्लाईज हो, ह्यूमन रिसोर्सेज हो। एग्जाम्पल देते हुए कहते हैं अभिजीत अय्यर मित्रा कि देखो मिलिट्री में अभी क्या होता है, ऑफिसर्स मैसेज चलती हैं, सहायक सिस्टम है, गोल्फ के जो मैदान है वो बना के रखे हैं, ये जो खामखा के खर्चे हैं ना, इनको कम किए जाने की आवश्यकता है। अगर एक्सपेंडिचर बढ़ता है मिलिट्री पे तो प्रायोरिटीज बिगड़ जाती हैं, इस प्रकार के खर्चे बढ़ जाते हैं, जबकि इस प्रकार के खर्चे थोड़े ना आपकी आर्मी को कैपेबल बनाते हैं। तो इसलिए जो रिसोर्सेज हैं मिलिट्री के, उनको स्ट्रीमलाइन किए जाने की आवश्यकता है, एक्सपेंडिचर कम करने के बजाय घटा दो, ये कहना है अभिजीत अय्यर मित्रा का। अब सबसे लास्ट में व्यू पॉइंट आता है डी एस हुडा का। इनका कहना है दोनों आर्ग्यूमेंट्स सही हैं। पहला आर्ग्यूमेंट, हमारे देश की जनसंख्या ज़्यादा है, गरीबी ज़्यादा है, सरकार अफोर्ड नहीं कर सकती डिफेंस पे बहुत ज़्यादा खर्च करना। लेकिन दूसरा आर्ग्यूमेंट बिल्कुल सही है, फिलहाल मिलिट्री एक्सपेंडिचर में बहुत ज़्यादा मिसमैच देखने को मिल रहा है। मिलिट्री की डिमांड्स काफ़ी ज़्यादा हैं लेकिन सरकार बहुत कम खर्च करती है, और पॉलिटिकल लीडर्स तो एक बात कह देते हैं कि हम एडिक्वेटली यानी पर्याप्त मात्रा में डिफेंस पे खर्चा कर रहे हैं, लेकिन ये बात सच नहीं है। इनका कहना है सरकार एक काम करे, नेशनल सिक्योरिटी रिव्यू करे, पूरा रिव्यू करे कि आज हमारा देश कौन कौन सी सिक्योरिटी थ्रेट से सफर कर रहा है, और सरकार का प्लान क्या है, कैसे सरकार उन सिक्योरिटी थ्रेट से निपटेगी, और उन सिक्योरिटी थ्रेट से निपटने के लिए किस प्रकार के वेपन्स चाहिए। सरकार जब ये नेशनल सिक्योरिटी रिव्यू करेगी तो सरकार को पता लग जाएगा कि कितना ज़्यादा डिफेंस पे एक्सपेंडिचर की आवश्यकता है, उसके बाद सरकार उतना ही डिफेंस पे खर्चा करे। ये मत देखे कि ये 1% ऑफ GDP है, 2% ऑफ GDP है, या फिर 5% ऑफ GDP है, बस हमारे देश की सुरक्षा को इंश्योर करने के लिए सरकार मिलिट्री पे उतना खर्च करे। एक बात डी एस हुडा सिमिलर बोलते हैं कि हमें क्वालिटी वेपन्स की आवश्यकता है, क्वांटिटी वेपन्स की आवश्यकता नहीं है। पहला जब वर्ल्ड वार हुआ था तो उस समय 159 एयरक्राफ्ट एक टारगेट को डिस्ट्रॉय कर पा रहे थे, लेकिन वेपन्स में इतना ज़्यादा मॉडर्नाइजेशन आ चुका है। 2001 में जब USA ने अटैक किया अफगानिस्तान के ऊपर तो उस समय 38 एयरक्राफ्ट 159 टारगेट्स को डिस्ट्रॉय कर पाए थे वार के पहले दिन ही। तो हमें क्वालिटी वेपन्स पर फोकस किए जाने की आवश्यकता है। हमारी मिलिट्री में अभी फोकस नहीं किया जा रहा है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे, रोबोटिक्स पे, इन नई टेक्नोलॉजीज को अच्छे से यूज किया जाए, सरकार को ये इंश्योर करने की आवश्यकता है। ये पूरा आर्टिकल था मिलिट्री स्पेंडिंग के बारे में। एक आर्टिकल रह गया हमारा कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट से संबंधित, उस आर्टिकल को हम थोड़ी देर में प्रीलिम बूस्टर की वीडियो में डिस्कस करेंगे। शुरुआत से देख लेते हैं आज हमने कौन कौन से आर्टिकल्स डिस्कस किए। सबसे पहले हमने डिस्कस किया BCCI से संबंधित जो आर्टिकल था, क्या BCCI को RTI के दायरे में आना चाहिए या नहीं। उसके बाद हमने राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009 की इंप्लीमेंटेशन के बारे में, काफी इंपॉर्टेंट आर्टिकल था, उसे डिस्कस किया। और सबसे लास्ट में हमने आर्टिकल डिस्कस किया क्या मिलिट्री स्पेंडिंग को यानी मिलिट्री पे खर्च को इंक्रीज किया जाना चाहिए या नहीं, ये भी ठीक ठाक आर्टिकल था। तो ये थी हमारी आज की डिस्कशन। फिलहाल इस डिस्कशन में इतना ही। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।